राम राम मित्रों, स्वागत है भाई को न्यू GT5 की वीडियो में। तो चलिए यार शुरू करते हैं। तो गाइस हम आदत ला चुके हैं हमारी प्यारी सबकी दुलारी और एक रुतबे वाली कार फॉर्च्यूनर। तो आज हम करने वाले हैं ऑफ रोडिंग फॉर्च्यूनर के साथ में, वो भी लीजेंडर वाला जो वेरियंट आता है फॉर्च्यूनर का। और तुम देख रहे हो जो सामने रास्ता दिख रहा है ना भाई, ये बिल्कुल भी नहीं है चढ़ने के लिए। मतलब नॉर्मल कार इस पर नहीं चढ़ सकती, फॉर्च्यूनर चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी हमें पता नहीं, पर हम ट्राई मार सकते हैं, बाकी तो देखो क्या होता है। और ये रास्ता वैसे तो ना कार्स के लिए मना ही नहीं है भाई, ये मना है सिर्फ ओनली फॉर साइकिल वगैरह के लिए। तुम मेरे को स्कोप देखो, मेरे को स्टॉप पे जाना है। वन मिनट देखो, हमें वहां पे जाना ऊपर की तरफ। यहाँ से जो तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा भाई, क्लियर दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि फोग वाला मौसम हो रहा है। तो मैं सोचता इस मौसम में हमें जाना भी चाहिए ऊपर, कैसा लगता है देखते हैं भाई। न्यू रास्ता है, माउंट सिलियार्ड के टॉप पे जाना है जहाँ पे केबल कार भी चलती है। चलिए यार हमारी फॉर्च्यूनर को करते हैं स्टार्ट और थोड़ा सा देते हैं थ्रोटल, मतलब एक्सेलरेटर यार। पता है तुम देख रहे हो फॉर्च्यूनर का इतना रुतबा है कि ना फॉर्च्यूनर सिर्फ एक ना GT5 लॉस सैंटोस में सिर्फ फ्रैंकलिन के पास में है। तो भाई ये बंदा देख देख के पागल हो गया था। चल झूठा, इसको देखने तो अपने क्या होता है भाई। तुम फ्रंट से इंटीरियर भी देख लो, अंदर से बिल्कुल फॉर्च्यूनर ही है भाई। तो फॉर्च्यूनर वाला इंटीरियर मिलेगा। एग्जॉस्ट वगैरह मुझे साउंड भी थोड़ा डिफरेंट लगा कि साउंड भाई थोड़ा मतलब नॉर्मल जो अपने रियल में फॉर्च्यूनर आती है उसका थोड़ा अलग होता है और गेम वाली फॉर्च्यूनर का थोड़ा सा अलग है, बट ऐसा भी इतना भी अलग नहीं है कि कति बेकार ही है। पर भाई बेता लगता नहीं सस्ते पे जा पाई, या ऊपर तक तो नहीं जा पाई मुझे, पर देखते हैं जहां तक जा पाती है वहां तक कोशिश करते हैं भाई। ये रास्ता कार्स के लिए मना ही नहीं है, फिर भी हम इसमें अपनी प्यारी फॉर्च्यूनर को लेके आ गई। बात तो सही है कि भाई इसका एक मार्केट में रुतबा भी है और इसकी पावर भी देख ले तुम। तो यार फोगी माउंटेन में अगर चलाने में एक कार का एक डर भी रहता है कि अगर आगे से अगर कहां पे गलती से हमने गलती से स्पीड दे दी और आगे कोई रास्ता वगैरह नहीं हुआ तो भाई सीधा नीचे जाएंगे खाई के अंदर, और खाई में जाने के बाद तो भाई बचना नामुमकिन सा ही है। ये सामने क्या है? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। लॉयन है टाइगर यार, मुझे आज तक GT5 का टाइगर समझ नहीं आया, किसने बनाया था इस टाइगर को भाई। पर यार गलती नहीं है, 2011 का गेम है और आज भी देख लो कितना टॉप पे चल रहा है। इसकी जैसे ग्राफिक तो आज भी मेरे हिसाब से कोई अदर ही कोई ओपन वर्ल्ड गेम है जिसके अंदर मिलेंगे ऐसे ग्राफिक। यार इसमें रास्ता दिखा रहा है मैप के अंदर, बट रास्ता है नहीं वाला, एक नीचे से रास्ता दिखा रहा है जो कि हमें दिख नहीं रहा। मैप में रास्ता है वो हमें वैसे नहीं दिख रहा, और जो दूसरा रास्ता दिखा रहा है मैप के अंदर वो भी रास्ता नहीं दिख रहा भाई। तो हमें जाना मतलब लगता है रियल ऑफ रोडिंग तो यहाँ से टेस्ट होने लग गई। सह लेंगे थोड़ा सा भाई, तुम देख रहे हो रास्ता नहीं है फिर भी हम ऑफ रोडिंग के हिसाब से इस कार को ले रहे हैं भाई। रिस्क है पर चलने दो, रिस्क उठाओ नाम बनाओ। माउंटेन ड्यू तो नहीं पी के आया फ्रैंकलिन, पर कोई बात ना यार, टायर ग्रिप नहीं बना पा रहे वैसे सही है यार। नहीं 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 नहीं, नहीं रास्ता दिखा रहा पर रास्ता है नहीं यार, ये एक तरह से थोड़ा पहाड़ टाइप में कुछ है ये, पर ठीक है चलने दो। बस यहाँ पे छट जाएगी ना भाई तो सही है, कह देखो यहाँ पे स्टेयर स्लिप हो रहे हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, पीछे सो रहा है भाई, वो सो रहा है सो रहा है सो रहा है सो रहा है, अब सो नहीं रहा भाई, अभी भी सो रहा है। बेहोश वगैरह हो गया होगा, थोड़ा डैमेज होगा, चोट वगैरह लगी होगी तो इसको भाई। हमारी फॉर्च्यूनर चढ़ रही है ऊपर, ताकत है यार फॉर्च्यूनर के अंदर, ऑफ रोडिंग है भाई। देखो तुम ऐसे रास्ते पे चढ़ के आई है भाई, देखो एक पहले रास्ता चेक करके आते कि रियल में रास्ता था यार वहां से नहीं था, ले चेक करके आते भाई कि मैप के अंदर रास्ता दिखा रखा है बट रियल में रास्ता था यार, हमें थोड़ा स्पीड में लेके आना पड़ता वो एकदम स्ट्रेट लानी पड़ती जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं थी। पर ये फ्रैंकलिन को कौन सा सिखा गया है यार, फ्रैंकलिन ने सिस्टम ऐसा कर गया है। छड़ने में फ्रैंकलिन की जान निकल रही है तो कार की जान कैसे नहीं निकलती यार, जब भी सोचू मैं इतनी ताकत कैसे ले रही है गाड़ी, फिर भी छड़ गई यार अच्छी बात है। चलो बैठते हैं और चलते हैं। एक तो इसका ना इसका मतलब इतनी ज्यादा पावर है इसके अंदर, एक बार तो टायर ग्रिप नहीं बनवाते यार, हमारी भी गलती है, हमको टायर न्यू लगवा के लाने चाहिए थे यार।
हम यूज वाला टायर लगवा ला जिससे थोड़ा ग्रिप में हो ही जाता है यार भाई, कि लंबे टाइम से यूज कर रहे हो टायर की ग्रिप खत्म हो जाती है, और ऊपर से थोड़ा फोगी टाइप का वो है ना एनवायरमेंट एटमोसफेयर, अरे कुछ भी हो फोगी टाइप का हो रखा है ना, इसके कारण भी दिक्कत आ रही है। मैप में मार्क कर लेते हैं, रास्ता तो दूसरी तरफ से दिखा रहा है मैप के अंदर, भाई ये क्या चक्कर है। मैप भी बौखला गया फोग को देख के, पर कोई बात ना, तो गाइस मैप पागल हो चुका है, मैप रास्ता में हमें खुद को ही देख के जाना पड़ेगा यार, बता रहा हूँ ना ये रास्ता है ही नहीं भाई, मैप में मैप की भी गलती नहीं है भाई, ये रास्ता है ही नहीं, ये तो हम ही ट्राई मार रहे हैं इस रास्ते पे जबरदस्ती, कि नहीं भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ करवाओ, कुछ ना कुछ भी करवाओ, कार से करवा के देखो। पिछली बार हम नेक्स्ट जोन को ले गए थे, इस बार फॉर्च्यूनर को ले आए, और नेक्स्ट टाइम देखते हैं कौन सी कार को लेके आते हैं। यहाँ पे लगता है मात दे देगी गाड़ी, रह गई थोड़ी थोड़ी रह गई यार। अब इसमें यही दिक्कत है ना यार कि अगर एक बार रोक दोनों उसके बाद में ग्रिप नहीं बन पाती टायर की, जब तुम टायर देख रहे हो भाई टायर की कंडीशन बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं इनको गंजे हो रखे हैं टायर, हल्की हल्की सी ग्रिप बची हुई है, इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, तो जैसे रेस देता हूँ ना भाई तो स्लिप हो रहे टायर, देखो वो तो 4x4 मोड के ना चलाना पड़ रहा है इसको, इसलिए थोड़ा चल रही है, वरना 4x4 मोड के अलावा चले भी ना। एक तो हमारी भी गलती है भाई, हम कैमरे अलग अलग व्यू के कारण ना हर बार एक बार ना इसको ब्रेक मार देते हैं, जो कि गलत करते हैं हम। रुको एक मिनट, वैसे सही में यार मिट्टी वगैरह से सही उड़ा रही है पहाड़ पे भाई, साइकिल वाला रास्ता, कोई साइकिल तो दिखे यहाँ पे, साइकिल भी नहीं दिख रही मुझे तो। अरे 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 कोई बात ना, इधर तो इतनी कोई खाई वगैरह नहीं है, नॉर्मल माउंटेन है, अगर बाई चांस नीचे भी जाती है तो छट जाएगी आराम से, लेकिन पहले यार इतनी टफ माउंटेन में छट सकती है, तो ये वाला माउंटेन तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। पर यार तुम खड़ी चढ़ाई पे भी गाड़ी मतलब अपने दम नहीं तोड़ रही, वो अच्छी बात लगी मुझे। ये हुई हमारी ड्रिफ्टिंग, देखो तुम रास्ता है ही नहीं भाई, रास्ता नहीं है, बता रहा हूँ तुम्हें रास्ता नहीं है यार, ये तो हम जबरदस्ती से ट्राई मार रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं रास्ता, जबरदस्ती बना रहे हैं भाई। मेरे हिसाब से पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए रास्ता नहीं हुआ ये वाला। अब यार ये थोड़ा नहीं यहाँ पे उतर जाएगी, पर गाड़ी टच वगैरह हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे एक चीज़ बेकार लगी यार इसके, थोड़े सस्पेंस है ना थोड़े हार्ड है यार, अंदर बैठने वाले बंदे को पक्का लगती तो जरूर होगी अगर ऐसे कड्डों में से गुजरता होगा तो। गेम के वाले की बात कर रहा हूँ भाई, रियल वाले की नहीं होता मुझे सही में, तुम कभी बोलो क्या रियल वाले की भी ऐसा कुछ नहीं होता तो वो मुझे नहीं पता भाई। यार ये तो बिल्कुल मक्खन की तरह चल रही है, 70-80 की स्पीड तो ऐसे पकड़ ली इसने इतनी ऊपर ही, देख इसके लिए कोई मतलब ही नहीं है, इसके लिए तो बस रोड होना चाहिए कैसा ही हो। एक बार यहाँ पे रोकते हैं, थोड़ा व्यू वगैरह देख लेते हैं भाई रियल में, और ऊपर से गजब का व्यू आ रहा है, और एक पीछे फॉर्च्यूनर खड़ी है वो तो अलग ही लुक आ रहा है यार, रियल में भाई गजब का लुक आ रहा है, मानो चाहे मत मानो, नहीं मानना तो तुम्हें पड़ेगा। चलो चलते हैं भाई, ज़्यादा लेट नहीं करते यार, अंधेरा होते जा रहा है, अगर कोई जानवर वगैरह आ गया तो दिक्कत हो जाएगी, जबकि लोयन वगैरह यहाँ पे घूम भी रहे हैं, सॉरी लोयन नहीं है टाइगर, वाइट टाइगर है वो। हमें यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा थोड़ा, लगभग हम माउंट सिलियार्ड के टॉप तक तो पहुंच गए, थोड़ा बहुत हो रह गया बस पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा तो ऊपर तो ज़्यादा तो नहीं रहा, लगभग तो पहुंच गए, मेरे को लग रहा नहीं कि इससे आगे कोई डिफिकल्ट रास्ता आएगा। अरे यार ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हमें थोड़ा स्पीड भी निकालनी पड़ेगी, हम धीरे निकाल नहीं सकते क्योंकि टायर स्लिप होंगे, पीछे लेके जाना पड़ेगा थोड़ा।
मुझे लग रहा है हमें यहाँ से नहीं नहीं भाई, वो थोड़ा और स्पीड निकालनी पड़ेगी। वैसे टायर स्लिप होंगे इसलिए मैं नहीं निकाल रहा यहाँ से, थोड़ा हमें पीछे ले जाना पड़ेगा, फिर थोड़ा निकालना पड़ेगा। ऊपर हम चढ़ा नहीं सकते और हम सीधा डायरेक्ट भी नहीं ले जा सकते क्योंकि टायर की में ग्रिप नहीं है, हमें आराम से ले जाना पड़ेगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ एक बार स्पीड पकड़ लेंगे थोड़ी, तो चलो अब निकल जाएगी आराम से। लेट्स ट्राई इट। ओपी ओपी ओपी, निकल गई भाई निकल गई। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी पर निकल गई, अच्छी बात है। ये रास्ता डिफिकल्ट नहीं है पर रास्ता नहीं है, बात ये है। डिफिकल्ट तो ठीक है, रास्ता ही नहीं है भाई ये। भाई रियल में यार ऑफ रोड किंग तो वो है भाई, फॉर्च्यूनर थोड़ी थोड़ी तो। कुछ भी कुछ भी, ऑफ रोड किंग तो है भाई। यहाँ से एक और रास्ता दिखा रहा है यहाँ से, बट हम इस रास्ते पे भी जाएंगे नहीं। अरे यार एक तो हमें ब्रेक नहीं मारना चाहिए हर जगह पे, से थोड़ी सी स्पीड बना के चले पर चलनी चाहिए। देखो ऐसे टायर इसके स्लिप होते हैं, इसलिए हमें इसके ब्रेक नहीं मारना चाहिए, मतलब इसको खड़े ही नहीं करनी चाहिए, चलती रहते धीरे धीरे चले पर चलती रहनी चाहिए। देखो तुम्हें सोकर दिखाता हूँ थोड़े होते यहाँ पे, एक मिनट को देखना। देखो इतने मतलब सस्पेंशन अच्छे नहीं है, देखना तुम एक मिनट को। वही गलती कर दी अभी तुमने ब्रेक मारने की। अरे यार पकड़ ली टायर ग्रिप पकड़ ली भाई। ये तो थोड़े पत्थर वगैरह, अगर बारिश वगैरह रेनी होता ना तो बारिश वगैरह होती तो मेरे को लगता ही नहीं कि मतलब बिल्कुल पकड़ बना, स्लिप ही होती भाई, डेफिनेटली स्लिप होती। लगभग हमारी लोकेशन तक तो पहुंच गए और माउंसिली आर्ट की जो केबल कार है वहां तक भी हम पहुंच गए। हमारी लोकेशन तो आ गई यहाँ पे, लोकेशन तो हमने लगभग पहुंच गए। अरे आराम से बच गए भाई, बच गए। अरे लोमड़ी है, अरे जान दो यार, हमारे क्या बिगाड़ा इसने। साउंड तो भाई जो हॉर्न वगैरह है वो तो रियल वाली जैसा ही है। बच गई भाई बच गई, मैं मारना नहीं चाहता था तुम्हें, ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल सही लग रहा है। अब यहां से हमें इसको चढ़ाना, ऊपर खड़ी करते हैं इसको एक मिनट को। भाई टर्न लेती जब फॉर्च्यूनर अपनी अलग ही दिखती है यार। भाई जितने डैमेज तो हमने कार को पूरे रास्ते में नहीं की ना, उतनी डैमेज तो यहाँ पे कर दी। और आगे चलते देखो व्यू कितना गजब का आ रहा है। रुको एक मिनट, आराम से लेते हैं बिल्कुल पहले। नहीं चल जाएगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है ना चल जानी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से चली जाएगी। बर्फ फ्रंट व्यू से ही चलने दो। ओपी बोला सस्पेंशन थोड़ी इसकी दिक्कत है। अरे आगे क्यों नहीं जा रही? ओ भाई आगे खाई है यार, कितना डेंजरस व्यू आ रहा है रियल में। खाई तो ये है, मैं सोचा थोड़ा और थोड़ा टायर को आगे कर देना, उसके बाद में अपन इसके बोनेट में खड़े होकर फिर बाद में एकदम वीडियो एंड करें तो कैसा गजब का अलग व्यू आएगा। रुको मैं ट्राई कर रहा हूँ भाई थोड़े आगे करने की, ज़्यादा आगे भी नहीं कर सकता क्योंकि ज़्यादा आगे करूँ तो पता लगे सीधा नीचे चल जाए, तो वो चीज़ भी नहीं करनी हमें। तो चलिए गाइस इतना ही बहुत है, इससे ज़्यादा आगे नहीं करेंगे भाई। टायर में तुम देख सकते हो एक टायर तो जा चुका हमारा नीचे। ओ भाई तुम यहाँ से व्यू देखो भाई एक बार, भाई कितना गजब का व्यू आ रहा है भाई। अरे नहीं, अरे बच गया, मुझे तो लगा नीचे गया सीधा। रुको वहाँ भी चढ़ने दो एक बार, अब तुम यहाँ से व्यू देखो एक बार भाई। रुको फ्रैंकलिन ना मुँह सीधा करने दो, अबे तेरे को जिस गाड़ी ने ले गया तो उसको ही मार रहा है यार, बड़ा गजब का बंदा है। बस भाई और यहाँ से व्यू देखो तुम्हें, कितना गजब का व्यू आ रहा है भाई फॉर्च्यूनर से।
तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं कोई न्यू GTA 5 वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसी और वीडियो चाहिए तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।